Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जरासंध का भेष धारे हुए गुनु जी बनने चले हैं भगवान कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजु शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आपने वो सीन देखा, जरूर देखा होगा, नोटिस भी किया होगा कि कैसे गुनु जी खिड़की में खड़े हैं क्योंकि उनको मुकाबले में आने की अनुमति नहीं है। वो खिड़की से मुकाबला देख रहे हैं, एक तरह से कहूं तो बालकोनी में बैठे हैं, आराम से मुकाबला देख रहे हैं। अब गुनु जी जो द्वारिका से मिल चुके हैं, अपनी हर तरह की तिकड़म लगा चुके हैं ताकि सारजा हार जाए, और इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद अपने सैनिक को वो ऊपर से इशारा करते हैं वो तिनका तोड़ने का। तो वो जो तिनका तोड़ने वाला इशारा है वो हमें ये समझाता है कि एक युद्ध हुआ था भीमसेन और जरासंध के बीच में। तब भगवान कृष्ण ने ऐसे ही तिनका तोड़ के अपनी बात भीमसेन को समझाई थी। अगर आपको नहीं लगा तो जरूर इस सीन को देखिएगा, इस कहानी को पढ़िएगा, इसी पे चर्चा करते हैं। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे इस कहानी का जिक्र मैंने इसलिए किया है क्योंकि गुन्नू जी की हरकतें ही कुछ ऐसी है। जरासंध और भगवान कृष्ण की कहानी बहुत पॉपुलर है, महाभारत की स्टोरी है। जब ये युद्ध हो रहा था महाभारत का, तब भीमसेन जो कि पांच पांडवों में से एक थे, बहुत ही शक्तिशाली थे, उनका युद्ध था जरासंध के साथ। और जरासंध को जब भी वो बीच में से काटते थे, मारते थे जरासंध को, और उसके टुकड़े फेंकते थे हवा में क्योंकि बहुत ताकतवर थे और जरासंध भी बहुत ताकतवर था, तो वो फिर से जुड़ जाते थे। तो यहां पे भगवान कृष्ण जो सारी लीला रचाते हैं, उन्होंने यहां पे भीमसेन को इशारा किया और एक तिनका तोड़ा और टुकड़े अलग अलग दिशा में फेंक दिए कि अब अगर इसको तुम चीरोगे जरासंध को तो टुकड़े अलग दिशा में फेंकना ताकि ये जुड़ के वापिस जिंदा ना हो जाए। तो जब मैंने गुन्नू जी को देखा ऐसे तिनका तोड़ते हुए, तो मुझे वो कहानी याद आ गई कि गुन्नू जी खुद को समझ क्या रहे हैं, है ना, कि वो अपने आप को जो खुद जरासंध भी नहीं है। जरासंध को तो वरदान मिलते थे उस समय जो होते थे, नेगेटिव भी जो करते थे, मगर पहले पॉजिटिव करते थे, फिर जाके कुछ ऐसा होता था उनको वरदान मिलता था या श्राप मिलता था, जो भी था वो कुछ तपस्या होती थी। तो मगर यहाँ पे गुन्नू जी तो शुरू से ही नकारात्मक है, उनको तो किसी का भी वरदान तो मिल ही नहीं सकता है, और भूमिका निभा रहे हैं भगवान कृष्ण की। और ये जो अपने आप को भगवान कृष्ण समझने की जो गलती कर रहे हैं, तो भगवान कृष्ण कभी भी ऐसे पापी का साथ नहीं देते हैं। ऐसे पापी का वो ऐसा हाल करेंगे कि गुरु जी भी याद रखेंगे कि कभी ऐसी हमने एक्टिंग करने की कोशिश की थी। तो ये मुझे लगा दोस्तों, थोड़ा वीडियो थोड़ा आप लोगों को पता नहीं कैसा लगेगा, मगर मुझे ये सीन देख के वही सीन याद आया जो महाभारत का था। तो उम्मीद है आपको भी ऐसा लगा होगा अगर आपने वो महाभारत पढ़ा है या महाभारत की वो स्टोरी पढ़ी है या वो महाभारत टीवी चैनल्स पे आता है वो देखा है। कमेंट करके बताइएगा, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.